हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 से रिलेटेड हर रोज हमारे सामने काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आते रहती हैं, जो कि मैं हर रोज आपके लिए चैनल के ऊपर लेके आता हूं। तो आज भी आईपीएल 2020 से जुड़ी हुई पांच काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो ऐसे में अगर आप लोग आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी अपनी फेवरेट टीम को आईपीएल 2020 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जो भी वायरल टॉपिक चल रहा है आईपीएल 2020 को लेके, वो है सीएसके की टीम। मतलब जब से सीएसके में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 13, उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल आईपीएल 2020 में मच चुका है। तो मैं एक एक करके आपको सीएसके से जो भी अपडेट्स आई हैं सारी बता देता हूं। सबसे पहली बात तो गाइज ये है कि जो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर था, वो कंफर्म हो चुके हैं कि दीपक चहारिया। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि दीपक चहारिया फिर शार्दुल ठाकुर में से ही कोई एक बॉलर होने वाला है, लेकिन जो रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि दीपक चहर को कोरोना हो चुका है और अब ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है। दूसरी बड़ी चीज है कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब इनका कोरोना हो चुका है, जो कि दूसरे प्लेयर बन चुके हैं जिनको कोविड-19 हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल कर आई थी सुरेश रैना को लेकर, जिन्होंने कहा था कि वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वापस इंडिया लौट रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यहां पर सुरेश रैना इसीलिए वापस आ रहे हैं ताकि जो बीसीसीआई है वो अपने रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करे। अभी जो कोविड-19 के रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन गाइस सुरेश रैना का ये रीजन नहीं था। उनका रीजन सच में पर्सनल है, उनके जो अंकल हैं उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है, और उनकी जो पूरी फैमिली है उनके ऊपर ही अटैक हुआ है। तो उस वजह से सुरेश रैना ने डिसाइड किया है कि वो वापस इंडिया आ जाएंगे और वो पूरे आईपीएल से अनअवेलेबल रहेंगे। कोविड-19 का कोई भी केस यहां पर सुरेश रैना को नहीं था। फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आई है आईपीएल 2020 के शेड्यूल को लेकर। अगर आप लोग चैनल के ऊपर लगातार एक्टिव हो तो मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई के जो चेयरमैन है बृजेश पटेल, उन्होंने कहा था आईपीएल का शेड्यूल हमें इस वीक के अंत तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज संडे हो चुका है और अभी तक भी शेड्यूल नहीं आया है। तो शेड्यूल अब यहां पर जब से सीएसके की न्यूज सर्कुलेट हुई है उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि जो पहला मैच था सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच में, वो अब पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली सीएसके का जो क्वारंटीन पीरियड है वो 3 हफ्ते के लिए बढ़ने वाला है। तो ऐसे में अब सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच में पहला मैच नहीं होगा, और शेड्यूल के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट अब सीएसके के इस रिपोर्ट के बाद आने वाला है। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। दरअसल आरसीबी अपना पहला प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर चुकी है। उस प्रैक्टिस सेशन में सारे बड़े बड़े सितारे हमें देखने को मिले, विराट कोहली, उनके साथ ही एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, देवदत्त पाटीकल, स्पिनर्स भी हमें यहाँ पर बॉलिंग करते हुए नजर आए। और विराट कोहली ने प्रैक्टिस कैंप के बाद स्टेटमेंट दिए कि जो उनका पहला प्रैक्टिस कैंप था वो काफी ज्यादा नर्वस थे, क्योंकि 5 महीने से उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेली हुई है, तो उनको पता नहीं था कि किस तरह से यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेशन जाने वाला है। लेकिन जो ट्रेनिंग सेशन की ओवरऑल रिपोर्ट है वो डिसेंट है, उन्होंने कहा कि वो सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से प्लेयर्स ने बॉलिंग की है। स्पिनर्स से वो काफी ज्यादा यहां पर खुश नजर आए, फास्ट बॉलर्स को उन्होंने डिसेंट बोला, और इस तरह से आरसीबी ने अपना पहला प्रैक्टिस कैंप कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आई है मुंबई इंडियंस की तरफ से। गाइज, मैंने आपको बताया था कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स को अबू धाबी में रहने के बावजूद भी अब बीसीसीआई ने परमिशन दे दी थी कि वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, और मुंबई इंडियंस भी हमें ग्राउंड के ऊपर देखने को मिली, जहां पर रोहित शर्मा हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, हार्दिक पांड्या हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। और इसमें जो अलग चीज हमें देखने को मिली वो थी मुंबई इंडियंस की जर्सी। हालांकि उनकी जर्सी चेंज नहीं है और ये प्रैक्टिस कैंप में यूज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो सैचुरेशन होता है जर्सी में वो काफी ज्यादा नजर आ रहा था। मतलब जो कलर था वो काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा था एमआई की जर्सी में, जो कि थोड़ी सी डल होती है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा सैचुरेटेड हमें हो सकता है जर्सी एमआई की देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं हमारी पांचवी और आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि निकल कर आई है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि डीसी और एसआरएच का क्वारंटीन भी कंप्लीट हो चुका है, और गाइज अब इनका पहला प्रैक्टिस कैंप भी सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। कोविड-19 के जो सारे टेस्ट
थे वो डीसी और एसआरएच के नेगेटिव आए थे। ना सिर्फ डीसी एसआरएच बल्कि सीएसके के अलावा सारी टीमों के ही कोविड-19 के जो टेस्ट थे वो नेगेटिव थे। तो अब सारी टीमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी हैं और डीसी और एसआरएच भी अब अपनी अपनी प्रैक्टिस उन्होंने पहला कैंप सक्सेसफुली लगा लिया है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आईपीएल 2020 में इस बार कौन सी दो टीम आपके हिसाब से ग्रुप स्टेज को टॉप करते हुए नजर आने वाली हैं। तो मैं मिलता हूं आप लोग उससे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।